जिनकी वजह से आज हमारे बच्चे इस हाल में सड़ रहे हैं। मेरी बददुआ लगेगी इन सबको, क्योंकि मेरे बच्चे इस हाल में देखो, हम भी कंफ्यूज करोगे, हम बात नहीं कर सकेंगे, आप थोड़ा संभालो। आपको इस टाइम पूरी दुनिया देख रहा है, इंडिया के जो है। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हो? मेरे साथ जुड़ चुका है रीमा। ये देखो लोग कब से झूठ फैला रहे हैं या कह रहे हैं कि 4 साल पहले इनका तलाक हुआ था या कुछ हुआ था। आज उन लोगों को मैं कहना चाहता हूँ जो टोपी ड्रामा करते हैं, गलत इनका तलाक हुआ था या कुछ हुआ था। गलत बातें करके जो लोगों को बेवकूफ बनाते हैं, एबीसी या कुछ बहुत सारे लोग ऐसे हैं, उनको मैं कहना चाहता हूँ कि जो आपको जो है ना असल चेहरा दिखाने के लिए मैं कभी नहीं कहा। अल्लाह देखते हैं, मैंने ये हमारी बहन है, अल्लाह इनको इज्जत दे। मैंने अपने मुफाद के लिए या कभी मैंने नहीं कहा। ये बैठा हुआ है रीमा साहिबा, आप खुद इनसे पूछ सकते हो। तमाम लोगों को ये मैं कहना चाह रहा था कि आज मेरे साथ लाइव जुड़ चुका है सीमा का जो बहन है रीमा। आप लोगों को बताना चाह रहा हूँ मेरे साथ है रीमा। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम जी, कैसे हो मेरी बहन? ठीक हो? अगर जो भी इसका कोई अड़ोसी पड़ोसी सीमा का है तो जो फरहान खान है, फरवा बतूल है, फरी है, फरा तक भी अगर इसको ना पहचाने तो इसका जो है जिम्मेवार मैं हूँ। ये जेन्यन रीमा मेरे साथ बैठी है, ना कभी पहले आया है ना आएगी। तो मुसलसल इनका ये ख्वाहिश था इधर भाई, मैं एक बार जो है सीमा से बात करना चाहता हूँ। आप मुतहद, आप अगर मुझे बात करवाना चाहो तो आप मेरी बहन, आप जो आपको कहना चाहते हो, आपको अभी इस टाइम पूरी दुनिया देख रहे लाइव में, तो आपको जो भी कहना है दिल खोल के आप उनको कह सकते हो। रीमा को, जो सीमा को जो कल तलाक की बात करता है या ऐसी कुछ बातें करते हैं, आप खुद अपने मुंह जबानी इनको बताओ कि क्या मसला था, मैंने उसको मारा है या मैंने उसको तलाक दी है नहीं दी है। आप बेहतर जान सकते हो क्योंकि एक घर है आपका और हमारा, इकट्ठे रहते थे बेटा ये बात। नहीं जी, नहीं, हैदर भाई ने कभी नहीं मारा, और क्यों मारेंगे? जब खुश रह रहे थे, उनके बच्चे थे, उनकी अच्छी फैमिली थी, तो क्यों मारेंगे? कोई वजह तो होगी ना मारने की। मैं तो उसकी बहन हूँ, उसकी बड़ी बहन, मुझे देखेगी पहचानेगी कि ये मेरी बहन है। हम लोग नहीं आना चाहते थे लेकिन उसने हमें मजबूर कर दिया आने पे, क्योंकि मैं अगर आऊंगी तो मुझे रोना आता है क्योंकि हैदर ने मुझे तलाक दी थी, हैदर मुझे छोड़ के चला गया था, और बोलती कि पाकिस्तान में तो ऐसे तलाक होती है, मुंह से बोलेंगे तो तलाक हो जाएगी। तो ऐसा कुछ नहीं होता, ना कभी मुंह बोलने से शादी हो जाती है और ना ही मुंह से बोलने से तलाक हो जाती है। जिस तरह शादी के लिए इंसान को गवाह चाहिए होते हैं, उसी तरह तलाक के लिए भी गवाह चाहिए होते हैं। अगर सीमा सच बोल रही है तो उसके पास कोई तो गवाह होगा, कोई ऐसा कागज दिखाए जिससे मतलब उसका सबूत हो कि हैदर भाई ने उसे तलाक दी है। लेकिन हमारे पास सबूत है ना, हमारे पास निकाह नामा उसका पड़ा हुआ है। फिर बोलती है कि मेरे अबू ने मुझे बेच दिया था, मेरे घर वालों ने मेरी जबरदस्ती शादी करवाई थी। तो ऐसा तो कुछ नहीं था, वो खुद भाग गई थी घर से, पहले भी भाग गई थी घर से। जब पहले भागी तो अब तो शर्म कर लेती थोड़ा सा, और वो सिर्फ झूठ बोल के। हैदर भाई ने उसे कभी नहीं मारा, हैदर भाई उसको इतना खुश रखते थे, इतना खुश रखते थे, लोग हैरान होते थे कि ये सीमा है, उसका उसके घर में इतनी सारी चीजें थी जो कई अमीर लोगों के पास नहीं होती थी। और हैदर ने उसको कब तलाक दी? हैदर भाई तो खुद बेचारे जा ही नहीं रहे सऊदी अरब, उसने खुद उसे भेजा वहाँ पे, आप जाओ बच्चों का फ्यूचर बनाएंगे, बच्चे आप इधर मजदूरी करोगे तो कैसे पेट पालेंगे, घर कैसे बनाएंगे। तो इनकी वजह से हैदर भाई को जाना पड़ा, हम साथ में रहते थे, एक गली छोड़ के दूसरी गली में घर होता था हमारा। तो कब हैदर भाई ने मारा? जब इसको हैदर भाई ने मारा तो उसको हमारे पास आना चाहिए था, हमें बोलना चाहिए था कि हाँ भाई मुझे हैदर ने मारा है, मैं उसके साथ नहीं रहूंगी। वो पाकिस्तान में रहती, हैदर भाई से तलाक लेती, फिर चलता पता कि हाँ उसे मारा जा रहा है, वो चुपचाप के ऐसे भाग के चली गई। और अब बोलती कि हैदर तो मुझे तलाक दे के चला गया था, पहले बोलती थी कि हाँ हाँ हैदर मुझे खर्चा देता है, और अब बोलती जब से वो कुत्ता है भी सिंह आया है, वो बोलती कि नहीं हैदर तो मुझे कभी खर्चा ही नहीं देता था। तो अगर हैदर खर्चा नहीं देता था तो आपको कौन देता था? हमारे अबू तो गरीब हैं,
वो रिक्शा चलाते थे, उनके पास इतने पैसे नहीं थे, वो तुम्हारा घर भी चलाते, अपना घर भी चलाते, अपने घर का भी किराया भरते, तुम्हारे घर का भी किराया भरते। फिर बोलती हो कि मैंने तो कमेटियां रख के मैंने घर घर लिया था। अच्छा, आपने कमेटियां रखी थी तो वो पिलाता कौन था कमेटियां? कमेटी कौन भरता था? आप भरती थी। आप भरती थी तो कहाँ से पैसे आते थे? आप कमाती तो नहीं थी ना घर पे, आप तो घर पे बैठी थी ना, कमाती कौन थी? कौन सा थी जो तो आपने, आपके पास वो पैसे थे, आप कमेटियां भर के आपने वो घर ले लिया। फिर बोलती हो जेवर मेरा अपना था, तुमने जेवर बेच दिया, वो भी हैदर भाई का था, आपका अपना कहाँ से आया था? चलो मानते हैं कि अगर कोई औरत कमाती है, जैसे बहुत ज्यादा पढ़ी लिखी है, उसके पास नौकरी है, तो हाँ वो खुद सब कुछ ले सकती है। सब कुछ आपके पास हैदर भाई का है, और आप बोलती हो कि आपको हैदर भाई मारता था, और अब जब आपको इतनी मार पड़ रही है फिर भी आप झूठ बोल रहे हो। आपको पता है हम पे क्या गुजरती होगी जब लोग हमें आगे बताते हैं कि अब तुम लोगों की बहन को मारा गया है, अब तुम्हारी भांजू को मारा गया है। कभी परवाह वालों को किसी ने हाथ नहीं लगाया, कभी फरहान वालों को किसी ने हाथ नहीं लगाया, आज वो बेचारे मार खा रहे हैं। किसकी वजह से? सिर्फ तुम्हारी वजह से। अगर इतनी सच्ची हो ना तो फरवा को लाओ सामने, मेरी बात करवाओ उसे, फरहान को लाओ सामने, मेरी बात करवाओ उनसे, क्या वो मुझे नहीं पहचानेंगे? मैं इन हाथों से उनको खाना खिलाती थी, उनके मैं कपड़े धोती थी, मैं कपड़े पहनाती थी, हर चीज उनकी मैं करती थी। तुमने कभी अच्छी माँ का तो कोई फर्ज अदा नहीं किया। देखो हम नहीं चाहते कि तुम्हारे साथ कुछ गलत हो, हम चाहते कि तुम मुल्क अपने वापस आ जाओ। तुम बस अपनी गलती मानो कि हाँ तुमने गलती की, तुमसे गलती हो गई है, तुम्हें कोई नहीं मारेगा, तुम अपने मुल्क वापस आ जाओ, अपने अल्लाह से माफी मांगो। और घटिया एपी सिंह की बातों में आना छोड़ दो कि अगर तुम बोलोगी मैं पाकिस्तान जाऊंगी तो तुम्हें इंडिया की जेल में डाल देंगे, वहां पाकिस्तान जाओगी तो तुम्हें पाकिस्तानी मार देंगे। वो घटिया एपी सिंह से तुम्हें तबाह करना चाहता है, तुम्हें बर्बाद करना चाहता है। उसमें घटिया एपी सिंह को बोलूंगी कि अगर तुम इतने अच्छे भाई हो ना तो तुम्हारी बहनें भी तो होंगी ना, तो अपनी बहनों को लेके जाओ, उनको बोलो कि आप अपने शौहर को छोड़ के किसी दूसरे मर्द के साथ रह लो, फिर मानेंगे कि जी हाँ आप बहुत अच्छे भाई हो। फिर उसके मासूम बच्चे मार खा रहे। अभी जो सीमा ने मारने के बाद जो वीडियो बनाई है जिसमें बच्चों को वो आलू रोटी खिला रही, आपने देखा है बच्चों को किस तरह से लग रही है? वो डरे हुए, इतना उनकी आंखों में डर नजर आ रहा है कि कहीं हमारे मुंह से कुछ निकल गया तो हमें कोई मार ना डाले। हम जानते हैं हमारे बच्चों को, वो बेचारे वहां मार खा रहे अपनी माँ की वजह से। मैं सबको बोलना चाहूंगी जो जो हमारी मदद कर रहे हैं, खुदारा खुदारा हमारी मदद करो, हमारे बच्चे खतरे में वहां पे, हम बेबस हैं, हम यतीम हैं, ना हमारी माँ है ना हमारा बाप है जो हमारी मदद करे, हमारा कोई नहीं है। खुदारा मेरी मुझे देखो, मैं उसकी बहन हूँ, वो गलत है, उसने झूठ बोला, कुछ भी उसने कभी सच नहीं बोला। अभी उसकी वॉइस जो वायरल हुई है फिर भी बोल रही है कि नहीं ये तो इन पाकिस्तानियों ने बनाई होगी, ये पाकिस्तानी यूट्यूबरों ने बनाई होगी, तो तुम जो अपना होंठ ऊपर करके दिखा रही हो ये पाकिस्तानियों ने किस तरह से बनाई होगी, तुम अपनी मार दिखा रही हो ये पाकिस्तानियों ने किस तरह बनाई होगी। चलो तुम्हें हैदर भाई मारते थे ना पाकिस्तान में, कोई वीडियो है तुम्हारे पास, कोई तस्वीर है तुम्हारे पास जिसपे देखा हो निशाना थे तुम्हारे पास? तुम पाकिस्तान में कैसी, तुम अफवाह कैसी बन गई हो? तुम वहां खुद नाच रही हो, उन लोगों का घर चल रहा है, हमारी छोटी छोटी मासूम बच्चियों को इतना मेकअप करवा के फिर सामने ला रही हो, उनको नचा रही हो, तुम क्या चाहती हो? अगर वो लोग तुम्हें कल को मार डाले फिर बोलेंगे कि सीमा ने भी आत्महत्या कर दी, सीमा ने खुदकुशी कर ली, सीमा ने खुद को मार दिया, तो हमारे बच्चे कहाँ जाएंगे? क्या तुम तुम्हें भीख मांगे उन लोगों के लिए? अगर वो इतने ही अच्छे होते ना तो बच्चों को कभी सामने नहीं लाते वीडियो में कि आप नाचो हम पैसे कमाएं। और मैं बोलूंगी बच्चे हैदर भाई को मिलने चाहिए, हमें मिलने चाहिए, हम पालेंगे उनको। सीमा उनको नहीं पाल सकती क्योंकि उसने कभी पाला ही नहीं था ना, उसने बस पैदा किया, ये उसने बहुत बड़ा काम कर लिया, उसने पैदा किया था, खर्चा हैदर भाई देते थे उसे, ठीक है, पालते उसे मेरे अबू थे, मेरे अबू से पालते थे। अब जब हमारे अबू मर गए तो उसने पीछे इतना बड़ा कांड कर दिया। पता है कभी भी फरिया को या फरवा को या फरान को किसी ने हाथ तक नहीं लगाया, किसी ने ऊंची आवाज से बात नहीं की। अब हमारे बच्चों की हालत देखिए आप, क्या वो हमें याद नहीं करते होंगे? क्या वो नहीं बोलते होंगे कि हमारे कहाँ चले गए? क्या वो नहीं बोलते होंगे कि मेरी अम्मी कहाँ है? मैंने फरवा को पाला था, मेरे आंसू देखो, मेरी पतवा लगेगी इन लोगों को।
जिनकी वजह से आज हमारे बच्चे इस हाल में सड़ रहे हैं। मेरी बद्दुआ लगेगी इन सबको, क्योंकि दिन रात हम लोग रोते हैं, हमारा तो कोई नहीं है अल्लाह के सिवा, हमारी मदद करो। उनको उनको वापस लाने के लिए बस एक ही रास्ता है, वो है हैदर भाई। खुदा रहा उनकी मदद करे। और मैं सीमा को बोलूंगी कि अपना नाटक बंद करो, हमें जहां तक जाना होगा ना हम जाएंगे अपने बच्चों के लिए। तुम्हें पता है ना, तुम्हें पता है कि हम लोग कभी भी वीडियो नहीं बना सकते, हम लोग कभी भी इस तरह से नहीं आ सकते, लेकिन हमने तुमने हमें मजबूर कर दिया, हमें सामने आना पड़ा। क्या तुम्हें नहीं पता लोग हमें क्या क्या बोलते हैं? तुम्हें तो शर्म करना चाहिए, लोगों ने तुम्हारी मरी हुई बाप को नहीं छोड़ा। क्या बोलती क्या बोलती तुम्हारा बाप क्या है, तुम्हारी क्या है, सूरे ऐसा किया क्या वो बोल के गई थी कि हम मर जाए तो आप ये करना। जब ये रमजान की ईद आई थी ना, जब अगली रमजान की ईद थी तो सुबह सुबह फरहान मेरे पास आया था, फरमा मेरे पास आई थी और मुझसे ईदी लेने के लिए आए थे, और तुमने भी मेरे लिए उनको ईदी दी थी। मेरे बच्चे नहीं आए, तुम्हें खुदा पूछेगा। तुम बोलती हो ना कि हमें बद्दुआ, मुझे बद्दुआ नहीं दिया करो। हमने बहुत कोशिश की तुमसे बात करने की, मैंने बहुत सारी कोशिश की कि तुम मुझसे बात करो ताकि मैं तुम्हें समझाऊं कि तुम ऐसा ना करो, तुम वापस आ जाओ। तुम क्यों मार खा रही हो, तुम मार खा रही हो, तुम्हें नहीं पता तुम्हारे बच्चे दिल के कितने कमजोर हैं।